नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉटेक्स स्ट्रेटजी पे, जहां आप पाओगे इंफॉर्मेटिव ट्रेडिंग वीडियोस। चाहे आप बिगिनर हो, एडवांसर हो या इंटरमीडिएटर हो, ये जो वीडियोस है आपके ट्रेडिंग को बूस्ट करेगा, जरूर इन्हेंस करेगा। और ना सिर्फ वीडियोस तक, बल्कि आपको यहाँ मिलेंगे शॉर्ट शॉर्ट डेली बेसिस पे ट्रेडिंग सिग्नल्स, गिव अवे और भी कई एक्साइटिंग चीजें जो आपको ट्रेडिंग में एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो इसके लिए मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और आज इस वीडियो में हम काफी छोटे अमाउंट के साथ कंपाउंडिंग कर रहे हैं। हमारे पास ओनली $1 है, यानी कि आप अपनी ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ $1 से अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। हमको कोई मैसिव अमाउंट नहीं चाहिए, जो आज इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कंपाउंडिंग के वक्त कैसे कैसे लाइव मार्केट के वक्त हमको सिचुएशन दिखने को मिलती है, कैसे मार्केट हमको ट्रैप करने का कोशिश करता है, कैसे मार्केट चाहता है कि हम लॉस कर ले, क्योंकि जब हम लॉस करेंगे तभी तो ये प्लेटफॉर्म अर्न करेगा ना। लॉजिक थोड़ा सा सिंपल सा है, लेकिन कैसे हमको ट्रैप नहीं होना है और अपना हार्ड अर्न मनी को हमको प्रॉफिट लेकर घर ले जाना है, ये चीज आज वीडियो में मैंने कवर किया है $1। और टारगेट है हमारा, देखते हैं कहां तक होगा। ऑफ कोर्स हम कोशिश करेंगे काफी ज्यादा, चलो देखते हैं कहां तक होगा। और यहां पर जो हमको शॉर्ट शॉर्ट मिल रही है वो डाउन डायरेक्शन की मिल रही है, तो यहां पर हम 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करेंगे डाउन डायरेक्शन में। ओके, ये तो मार्केट में हमको बहुत ही बड़ा जंप दिखने को मिला। मैं यहाँ पर ट्रेड ओपन करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया और ये फिसल के यहाँ तक आ गया। बट कोई नहीं, देखेंगे रिजल्ट क्या है। तो यार ऐसे ही आज वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप सच में चाहते हो कि मैं कुछ सीखूं, ट्रेडिंग में करूं और सिर्फ ना ट्रेडिंग में लॉस करूं बल्कि प्रॉफिट भी करूं, और अगर आपको ट्रेडिंग अच्छा खासा आता है लेकिन आप उसको बूस्ट करना चाहते हो, इनहेंस करना चाहते हो, तो आप एक सही जगह पर आए हो। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, लाइफ चेंजिंग वीडियो है। कई लोग वीडियो देख के काफी प्रॉफिट कर रहे हैं। और या तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल में नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, बिकॉज आपकी कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज कमेंट मोर। और ऐसे ही ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना। और फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ विन हो गया है विद शॉर्ट शॉर्ट। ओके, अब हम चलेंगे अपनी सेकंड ट्रेड की तरफ। और मैंने क्यों ट्रेड दिया ये जानना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं बस 2-4 मिनट में अपने टारगेट को कुछ हद तक कंप्लीट कर लेती हूँ आधा, और उसके बाद फिर आराम से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। और यहाँ पर जो ट्रेड होगी हमारी वो अप डायरेक्शन की होगी। तो ऐसे इतना ही इजी है गाइज, ट्रेड ओपन करना, प्रॉफिट बुक करना, घर ले जाना बहुत ही इजी है, बस प्रैक्टिस का खेल है। बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस आपको चाहिए, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, तो आप देख रहे हो कि सेकंड ट्रेड हम विन कर लिए है, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको कुछ चीजें आनी चाहिए जो बहुत ही बेसिक है। फर्स्ट इज प्रैक्टिस, सेकंड इज एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा, और थर्ड इज गेस करो क्या होगा स्ट्रेटजी, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, क्या होगा। थर्ड इज गाइज योर रिस्क मैनेजमेंट, योर मनी मैनेजमेंट। अभी मैं $1 का ट्रेड ले रही हूँ, $2 का ट्रेड ले रही हूँ, लेकिन अगर हम कंपाउंडिंग पूरा लास्ट स्टेप तक कर लेते हैं और अगर हमको लॉस हो जाता है, फिर भी वो रिस्क मैनेज करने का वो मैनेजमेंट मेरे पास है, वो मैंने अपने हिसाब से मैनेज किया है। तो मेक श्योर कि आपका जितना रिस्क मैनेजमेंट हो आप उसके हिसाब से रिस्क लो, समझ रहे हो। तो चलो अब हम थर्ड ट्रेड ओपन करेंगे डाउन डायरेक्शन में। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन को देखा है जिसके वजह से मैं ट्रेड ओपन कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इंडिकेटर का भी हेल्प लेना चाहूंगी, बिकॉज ऐसे हमको और कंफर्मेशन मिल जाता है। तो थर्ड ट्रेड हमारा विन हो गया है। ओके, क्या है कॉन्सेप्ट इसको जानने के लिए प्लीज 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 वीडियो के लास्ट तक रहना। और कुछ इंडिकेटर का हम यूज करेंगे यहाँ पर, और ज्यादा मैं इंडिकेटर में तामझाम नहीं पसंद करती हूँ, इसलिए हम बहुत ही सिंपल रखेंगे अपना सारा इंटरफेस। एक SMA रखा है हमने 5 की वैल्यू में, और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। SMA का zigzag के साथ हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, जहाँ पर इसकी डेप्थ को करना है आपको 6, कलर को कर लो येलो बस। और तामझाम हमको नहीं चाहिए, इतना से हमको शॉर्ट शॉर्ट मिल जाएगा। ओके 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 ओके
ओके और यहाँ पर जो हमारा हो गया है विंड, अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। और यहाँ पर जो शॉर्ट शॉट मिल रही है वो अप डायरेक्शन की यहाँ पर हमको मिल गई। मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि जिगजैग के बेसिस पे लिया है। अब देखो यार, जिगजैग में आपको एक चीज दिख रहा है कि ये मेरा मार्केट का एक कॉर्नर हुआ, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, मतलब समझ रहे हो? मतलब कि ओके ओके ओके, मतलब कि जिगजैग आपका ऐसे फॉर्म हुआ था, नीचे आकर खत्म हो गया, तो ये जिगजैग का एक कॉर्नर, ऊपर गया दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर। तो जब मैंने ट्रेड ओपन किया, मैंने यहाँ पर ट्रेड ओपन किया है और यहाँ पर ऑलरेडी जिगजैग का एक कॉर्नर बन चुका है। इससे हमको पता चला कि मार्केट अब अप जाएगा, और ना सिर्फ इससे बल्कि इस कैंडल की मोमेंटम को देखने के बाद कि ये कैंडल काफी हेल्दी बनी है, ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेवल पर है। मार्केट सपोर्ट ऐसा लेवल होता है जहां पर मार्केट की फितरत होती है अपनी हिस्ट्री को रिपीट करने का। लेट सपोज मार्केट अगर यहां से अप गया है, यहां से अप गया है, तो अब की बार अगर मार्केट उस लेवल पर आएगा तो वो वहां से भी अप जाने का चांस होता है। हमेशा नहीं होता है लेकिन ज्यादातर होता है। और कंफर्मेशन के लिए हमको क्या मिल गया? जिगजैग का कॉर्नर मिल गया और एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल मिल गया। लेकिन मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ा एक रेड कैंडल फॉर्म किया है, या आप कहो कि मार्केट हमको ट्रैप करने का कोशिश किया है और जिसके लिए हमको एक रेड कैंडल फॉर्म करके दिया, जो ये शो कर रहा है कि आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लो। लेकिन भैया हमको ये देखना है कि जिगजैग का कॉर्नर बन चुका है, मार्केट में एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बन गया है, ये जो रेड कैंडल है और कुछ नहीं है, हमको ट्रैप करने का कोशिश था ये, और अगली कैंडल पे मैंने ट्रेड ले लिया और आप देख रहे हो कि मार्केट इज नाउ व्हाट इन अप डायरेक्शन। और इसके शॉर्ट शॉट आपको कैसे लेनी है, देखो अगर आप अप डायरेक्शन की ट्रेड लेना चाहते हो, आपको देखना है अप डायरेक्शन की ट्रेड के लिए कि हमको जिगजैग का कॉर्नर मिल जाए, ठीक है। अब क्या हो कि जिगजैग का कॉर्नर मिलने के बाद जिगजैग की लाइन ऊपर जा रही हो, मूविंग एवरेज की ग्रीन लाइन को क्रॉस करते हुए, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर आपको मिला। क्रॉस ओवर के वक्त अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखने को मिल जाती है, जो कि एसएमए के ऊपर आ जानी चाहिए, समझ रहे हो? सिंपल से मैं बोल रही हूँ कि आपको जिगजैग का कॉर्नर चाहिए, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, तो जिगजैग का कॉर्नर चाहिए और जिगजैग नीचे से ऊपर की ओर ग्रीन लाइन को क्रॉस करना चाहिए और कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर में क्लोजिंग दे देनी चाहिए या ग्रीन लाइन के ऊपर पन्नी चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी जिगजैग ने ग्रीन लाइन को क्रॉसओवर दे दिया है और जो कैंडल है हमारी वो ग्रीन लाइन के ऊपर बन रही है, तो हम अप डायरेक्शन के ट्रेड लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया था जो कि हमको हो चुका है विन। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रेड है मेरी वो डाउन डायरेक्शन की होगी। और डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों हुआ? कई लोग बोलेंगे कि मार्केट तो अप जा रहा है, जिगजैग का लाइन मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, फिर भी आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड का क्यों सोच रहे हो? तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। लेकिन इस कैंडल की शैडो को देखने के बाद, प्राइस एक्शन को स्टडी करने के बाद, ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ देखा और मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया। क्यों लिया है डाउन डायरेक्शन का ट्रेड, इसके लिए मैं आपको समझाऊंगी कुछ ट्रेंड लाइन के जरिए। और यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन लिया है, हालांकि जिगजैग की जो लाइन है मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, अप डायरेक्शन के सिग्नल है, ओके ठीक है, अप डायरेक्शन के सिग्नल है, लेकिन मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ओपन किया है। क्योंकि यार आपको जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मार्केट में प्राइस एक्शन को देखना। कभी कभी हो सकता है कि ये आपको फेल मिले, कब, मैं ये भी आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। कई लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमको ये वर्क करके नहीं दे रहा है। अरे भैया, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं बना, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं बना जो आपको एक बार में प्रॉफिट करके दे देगा। खुद भी हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वो दिमाग बहुत ईजी है, वो चीज आप समझ गए हो ऑफकोर्स। तो ये चीज आपको क्लियरली विजिबल है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रहा है, दूसरा लेवल को टच कर रहा है, तीसरा लेवल को टच कर रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा इसी लेवल पर मार्केट है। तो यहाँ पर हमको क्रॉस ओवर दिखने को तो मिला था, ठीक है, येलो लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस करके तो ऊपर चला गया था,
लेकिन मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शन की टिप्स नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा मेरा एक क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन रहा है और ये मार्केट को डाउन भेजेगा, तो इसलिए हमको यहाँ ट्रेड ओपन नहीं करना था। और मैं कहीं पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ओपन की थी, शायद यहाँ पर ओपन की थी, क्योंकि देखो मार्केट अप की सिग्नल दे रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ओपन किया है। वो इसलिए ओपन किया है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा लेवल है यार, अगर आप देखो तो कितना सॉलिड हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब इससे अच्छा तो शॉर्ट और डाउन डायरेक्शन की कोई है ही नहीं। एक देख रहे हो रेजिस्टेंस लेवल, इसके आसपास से मार्केट नीचे गया, इसके आसपास से मार्केट नीचे गया, यहाँ पर जा रहा था पर जा नहीं पाया, तो इसका कसर अब मार्केट यहाँ निकालेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ट्रेड हमने इसलिए विन कर लिया। तो कहने का मतलब है आपको ये स्ट्रेटजी, जहां अगर आपको अपर डायरेक्शन की ट्रेड लेना है लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है तो ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा, आप वहां थोड़ा वेट कर लो। अगर आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेना चाहते हो लेकिन अगर आपको बगल में सपोर्ट मिल जाता है तो ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो चलो हम काफी बात कर लिए है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। तो गाइज अब यहाँ पर हम अपनी अगली ट्रेड लेंगे और ये जो मेरी ट्रेड है डाउन डायरेक्शन की होगी। अब मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है क्योंकि यार देखो जिगजैग का एक कॉर्नर बन चुका है, जिगजैग यहाँ से डाउन कभी भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जिगजैग का कॉर्नर बन चुका है। और ना सिर्फ कॉर्नर बना है, मतलब कि ना सिर्फ कॉर्नर बना है बल्कि एक कैंडल, दो कैंडल, ओके, और तीन कैंडल एक ही जगह पर लगभग बना है, जो एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पर भी मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से मार्केट का डाउन जाना 15 सेकंड के लिए तो तय है, क्योंकि हम मार्केट क्या देख रहे हैं, 15 सेकंड का देख रहे हैं। तो अगर हम 15 सेकंड का मार्केट देखते हैं तो हम 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का ट्रेड आराम से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो ट्रेड है हमारी वो डाउन डायरेक्शन की फिर से है। अब डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मैंने दोबारा से लिया है क्योंकि यार देखो ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये मेरा एक रेजिस्टेंस काम करेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इतने आराम से इसको ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है। और जो मैं चीज देख रही हूँ, येलो लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस कर दिया है, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, येलो लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस कर दिया है, डाउन डायरेक्शन का सिग्नल मिल रहा है। और सोने पे सुहागा, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेना चाहते हैं और बगल में मिल गया रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट मिलता तो दिक्कत हो जाता है लेकिन मिल गया है रेजिस्टेंस लेवल, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। आई होप ये काफी क्लियर है आपको। प्लीज यार मुझे मोटिवेट करना अपने लाइक से और कमेंट से, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। और यहाँ पर हम जो ट्रेड है अपने फिर से फुल अमाउंट की ओपन करेंगे। अब मार्केट आप देखो कहाँ पर ये स्ट्रेटजी आपको वर्क नहीं करके देगा, आपको दिख रहा है मार्केट एक रेंज में चल रहा है, साइडवेज हो रहा है, तो यहाँ पर अब हमको ट्रेड ओपन नहीं करना है, काफी करेंसी है अपन के पास, हमको मार्केट को चेंज कर लेना है। ओके, अब हम यहाँ पर अपनी ट्रेड ओपन करेंगे तो इस कैंडल को देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे अपनी ट्रेड, और इस कैंडल को देखने के बाद हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। और डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करने का कॉन्सेप्ट ये था कि आपको दिख रहा है कि जिगजैग का एक कॉर्नर बन गया है, मतलब यहाँ से जिगजैग कभी भी डाउन आ सकता है, और आपको दिख गया कि जिगजैग डाउन आ गया और मेरी ग्रीन लाइन को क्रॉस कर दी, तो ये हमारे लिए एक सिग्नल हो गया डाउन डायरेक्शन का, और ये ट्रेड हमको विन हो गया है। और क्यों मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया, क्योंकि आप इस लेवल पर देख रहे हो कि मेरा मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पर है, तो यहाँ से मार्केट का डाउन आना तय था। और एक सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, डाउन डायरेक्शन का ट्रेड इसलिए ओपन किया क्योंकि जब मैं ट्रेड ओपन करी थी जिगजैग यहीं पर था, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल लगभग एक ही जगह बन गया था, तो ये भी हमको ये बता दिया कि मार्केट बहुत अच्छा सा एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया है, एक जाल क्रिएट कर दिया है, मार्केट इतने आराम से इसको तोड़कर ऊपर नहीं जाएगा। और हमको क्या मिल गया, जिगजैग एसएमए को क्रॉस करते हुए नीचे आ रहा था और रेजिस्टेंस लेवल भी था, इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ओपन कर दिया। ओके, अब हम अपने लास्ट ट्रेड ओपन करेंगे क्योंकि मेरे को वीडियो को लंबा नहीं करना है, और देखते हैं कि अब हम कुछ नई चीजें कहां पर सीखेंगे, इसके लिए हम देखते हैं कुछ नए मार्केट में। ओके गाइस, तो अब अगली ट्रेड हम यहां ओपन करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड हमारा मार्केट का अप कह रहा है और इंडिकेटर भी अप की सिग्नल दे रहा है, और इसलिए मैं यहां पर जो ट्रेड है वो 15 सेकंड के लिए अप डायरेक्शन की ओपन करूंगी। अपर डायरेक्शन का ट्रेड इसलिए ओपन किया है क्योंकि यार देखो इंडिकेटर अप का सिग्नल दे रहा है और यहाँ पर हमको बगल में कोई रेजिस्टेंस लेवल दिखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने ट्रेड ओपन किया है अपर डायरेक्शन की, और ये ट्रेड हमको विन हो गया है। और ये हम अपने कंपाउंडिंग, ओके
तो अब हम अपने कंपाउंडिंग के लास्ट स्टेप को कर लिए हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हमने ज़िगज़ैग और मूविंग एवरेज के थ्रू अपने कंपाउंडिंग को किया है, जहां पर आपको क्रॉसओवर को ध्यान देना है। अपर डायरेक्शन की ट्रेड हमने यहां पर इसलिए लिया था क्योंकि यार देखो, मार्केट में अभी नियर बाय में मेरे को कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिख रहा था और मार्केट का ट्रेंड अप है, तो हमने ट्रेंड को फॉलो किया है। और अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम पाते हैं कि मार्केट यहाँ को टच करके अप गया है, यहाँ को टच करके अप गया है, और अगली बार अगर मार्केट यहाँ पर अगर डाउन गया है तो यहाँ से अप जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना। और यप, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस। और नेक्स्ट वीडियो किस स्ट्रेटजी पर चाहिए वो मुझे जरूर बताना। लव यू, बाय।